नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स क्लब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिले हमारे वीडियो के। तो आज है मुकाबले दो, पहला मुकाबला इंडिया वर्सेज श्रीलंका के बीच में और है पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के बीच में। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में ये तीसरा T20I मुकाबला होने वाला है जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड एक एक से सीरीज में बराबर है और इंडिया श्रीलंका क्या था इंडिया श्रीलंका का जो है पहला मैच इंडिया ने जीता है 1-0 से, इंडिया आगे है और आज सीरीज में दूसरा वनडे है। तो हम यहाँ पर इन दोनों ही मैचेस पर बात करेंगे दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को फिर से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको लेटेस्ट टीम्स मिल सके। कल हमने TMPL में ठीक ठाक कमाई की थी, तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाकर हमारे चैनल पे जो है ज्वाइन हो जाना है। सो दोस्तों आज हम चलते हैं, अभी हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में आज के दोनों मुकाबले के ऊपर। तो आज की जो तीसरा मुकाबला है जो कि TMPL का मुकाबला होने वाला है उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम अभी फिलहाल इन दोनों ही इंटरनेशनल मैचेस पर वीडियो पे बात करेंगे। सो आज का जो पहला मुकाबला होने वाला है वो होने वाला है इंडिया श्रीलंका के बीच में। इंडिया और श्रीलंका के बीच 1-0 से इंडिया आगे है और इंडियन टीम्स को जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि मैं यहाँ पर मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि चेतन सकारिया शुड बी इन द स्क्वाड, जो कि स्क्वाड में है टीम में होना चाहिए। सो चेतन सकारिया शुड बी इन द टीम विद भुवनेश्वर एंड आई थिंक साइनी शुड बी, अगर सकारिया या साइनी में से किसी एक को यहाँ पे दीपक चहर को रिप्लेस करके आना चाहिए। इट्स माय थिंकिंग, आप क्या सोचते हैं लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दोस्तों और एक बात बात करें तो इंडियन टीम श्रीलंकन टीम बहुत बढ़िया नज़र आ रही है, ठीक ठाक है, बट कुछ रिजल्ट्स बॉलिंग से उतने नहीं मिले। हालांकि बैटिंग परफॉर्मेंसेस किए हैं, बैटर्स 40 के स्टार्ट यहाँ पर मिले हैं सभी को, खासकर हम बात करें गुणाथिलका की बात, फर्नांडो अविष्का फर्नांडो की बात करें, साथिज आजम बात करें, वहाँ पर विनोद ने भी ठीक ठाक स्टार्ट दिया था, पहला ही मैच खेल रहे थे अपना, विनोद ने भी ठीक ठाक शुरुआत की। और बात करें डिसेल्वा ने भी अच्छी खासी स्टार्ट उनको मिल गई थी, उसके बाद स्टार्ट को वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो श्रीलंका के साथ मसला रहा है यही वाला और इस मसले को ही हल करना है श्रीलंका को। तो यहाँ पर ये प्रस्पेक्टिव साफ ना नज़र यहाँ पर जो है निकल कर आता है। टेलीग्राम पर आपको ड्रीम इलेवन टीम मिल जाएगी इस मैच के लिए। सेकेंड मैच होने वाला है दोस्तों, ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वो होने वाला है पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में सीरीज 1-1 से बराबर है। आज तीसरा T20 और अंतिम T20 मैच है जो पाकिस्तान इंग्लैंड में खेलेगा। इसके बाद पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज जाना है, 5 T20I सीरीज और 3 वनडे के लिए। सो पाकिस्तान के टीम में मुझे अभी अभी कोई बदलाव नहीं नज़र आ रहे हैं, अभी भी अनचेंज साइड से ही खेलना चाहिए, वो भी खेलेंगे इतना यहाँ पर गारंटी है। सो दोस्तों पाकिस्तान की टीम थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, लचीली है और फ्लेक्सिबल है। पहले मैच में बहुत ही अच्छा स्कोर भी सेट किया था, सेकेंड मैच में चेजिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था जो पाकिस्तान को हमेशा से ही होता रहा है। तो चेजिंग यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक वरिंग फैक्टर है, उसके बाद पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो दोस्तों यहीं पर एक चीज़ें हैं, यहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो निकल कर आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बाकी कोई है नहीं प्रॉब्लम ऐसा एज सच। सो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ड्रीम इलेवन टीम्स मिलते रहे। और हाँ वीडियो को शेयर कर दीजिए, धन्यवाद।